दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाले हैं इंडियन बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे निकाले, यानी एटीएम कार्ड का फोटो कैसे निकाले। इंडियन बैंक में अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन किए हैं या ऑफलाइन ब्रांच से अकाउंट खुलवाए हैं, लेकिन आपके पास एटीएम कार्ड अभी तक नहीं है, तो कैसे आप अपना जो वर्चुअल डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड आप ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे, ऑनलाइन निकाल पाएंगे। और आपके पास जो नेट बैंकिंग भी नहीं है और ना ही मोबाइल बैंकिंग चालू है, तब भी आप अपना जो वर्चुअल डेबिट कार्ड आप निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को प्रवाच करना होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, वीडियो समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें, उसका तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड निकालने के लिए इंडियन बैंक का आपको एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इंडियन बैंक का प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना होगा। यहां से वीडियो को और आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। और आपका भी अभी तक जो मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट नहीं है, तब भी आप देखिएगा अगर आप अपने जो बिना एटीएम कार्ड के जो मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर पाएंगे और अपना जो वर्चुअल डेबिट कार्ड भी निकाल पाएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ से वीडियो कॉल आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। अब आपको क्या क्या यहाँ से करना होगा मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा। तो यहाँ देख सकते हैं एम पिन मांगा जा रहा है। जब इसमें फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और ना ही नेट बैंकिंग आपके पास है, तो कैसे आप मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर पाएंगे। इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, जिसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा कैसे आपको मोबाइल बैंकिंग बनाना है, इंडो एसिस जो एप्लीकेशन है इसको कैसे लॉगिन करना है, उसके बाद ये आपको वीडियो देखना होगा। तो उस जो वीडियो का जाकर देख लीजिएगा, उसमें बता दिए कैसे आपको मोबाइल बैंकिंग चालू करना है। मोबाइल बैंकिंग चालू करने के बाद आपको इसमें एम पिन या फिंगर से आप लॉगिन कर लीजिएगा, जो कि मैं अपना फिंगर से लॉगिन कर लेता हूँ, या एम पिन डाल के इसमें सक्सेसफुली लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ चेंज ओनली दिस टाइम का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सक्सेसफुली मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आप लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा, वैसे करके आपको दिखाएगा। तो उसके बाद देख सकते हैं मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में सक्सेसफुली लॉगिन कर रखा। उसके बाद यहाँ से आप अपना जो वर्चुअल डेबिट कार्ड बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिएगा, तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन डेबिट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्लीज सिलेक्ट पे क्लिक करके अपना जो अकाउंट नंबर यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका अकाउंट सिलेक्ट हो जाएगा, तो आपको कुछ देर वेट करना होगा। आपको यहाँ एक और जो अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो जो कि मैं कुछ देर वेट कर लेता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ अकाउंट का दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड शो करने लगेगा, दिखने लगेगा। यहाँ देख सकते हैं मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ शो कर रहा है। यहाँ पूरा कार्ड का डिटेल देखने के लिए आपको यहाँ इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको हाइड शो का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड का पूरा नंबर यहाँ शो करने लगेगा। यहाँ से कार्ड को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से डेबिट कार्ड को हॉटलिस्टिंग कर सकते हैं, सेट डेबिट कार्ड लिमिट यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से पेमेंट कैंसिल चैनल सेटिंग्स कर सकते हैं, यहाँ से डेबिट कार्ड का पिन बना सकते हैं इंडियन बैंक का, पूरा चीज यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। और यहाँ से इस पर क्लिक करके आप इसका जो वैलिड भी देख सकते हैं, यहाँ से सीवी भी देख सकते हैं। तो जैसे इस पर आपको हाइड शो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पूरा डिटेल यहाँ शो करने लगेगा, कार्ड नंबर और जो वैलिड थ्रू एक्सपायरी, उसके बाद सीवी। तो बस इस वीडियो में आपको इतना ही जानकारी देने वाला था कि कैसे आप अपना जो वर्चुअल डेबिट कार्ड इंडियन बैंक का निकाल पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड, कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें। उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, उसके बाद अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर पाएंगे, उसके बाद अपना जो वर्चुअल डेबिट कार्ड निकाल पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स वेरी मच।